बहुत तादाद के अंदर जन सैलाब यहाँ उमड़ पड़ा है और आज जो इस समय जो जन सैलाब है इसे रोकने में नहीं आ रहा है, पूरा भारत बंद कर दिया है पूरा भारत। मैडम क्या नाम है? एक्ट जो है पहले उस पर कार्रवाई नहीं होती थी और अब इस कानून को लागू करने से तो कोई भी सुनवाई होगी नहीं SC ST एक्ट में ना, उसको कमजोर करने के लिए ये गलत किया गया। पहले सुनवाई नहीं होती थी थाने उसमें और इसको कमजोर करने का ये साजिश है, ये BJP की या किसी की भी ये बहुत गलत साजिश है कि हम लोग तो वैसे ही अगर कोई SC उसको बोल दिया जाता है चूड़ा चमार जो भी बोल दिया जाता है और वो अपने कंप्लेंट थाने में लेके जाता है, पहले सुनवाई नहीं होती थी और अब तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो हम दलित समाज को कुचलने के खत्म करने के लिए कंप्लेंट जमाया जा रहा है। मेरा नाम राजरानी है, महिपालपुर से आए हैं और बहुत सारी हमारी बहनें आई हुई हैं और क्या कहते हैं हमारे जो वो है हमारे अधिकार जो है वो सरकार उनको दबाया जा रहा है, जो हमारे सरकार मिलते थे था अधिकार वो हमारे सब दबा दिए BJP ने और सुप्रीम कोर्ट ने। हम चाहते हैं हमारे अधिकार वैसे ही वापस मिलने चाहिए जैसे हमारे थे, कांग्रेस सरकार के होते हुए हमें बहुत अधिकार मिले हुए थे, जब से BJP सरकार आई है सारे अधिकार हमारे दबा दिए गए हैं और हम चाहते हैं हमारे जो सुविधा मिल रही थी हम लोग SC लोगों को वो सब सुविधा हमारी दबाई, हमें कोई सुनवाई नहीं होने वाली कहीं। जो बाबा साहब ने जो हमारे संविधान बनाया वो हमारा बरकरार रहना चाहिए और जो हमारे बहन बेटी की हमारी इज्जत है वो भी हमारी सुरक्षित होनी चाहिए। अब हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो अगर नारा तो लगा दिया BJP ने लेकिन उसमें सुरक्षित हमारी बेटियां बिल्कुल भी नहीं है, हमारी बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। कहाँ बचाव हो रहा बताइए कहाँ? हम लोगों से डर करके ये बड़ी जात वाले हम लोगों से डर रहे हैं ताकि ये नीची जात के ऊंची जात पे ना बैठ जाए, ऊंचे पद पे ना बैठ जाए, हमसे डर रहे हैं इसलिए हम लोगों को दबाया जा रहा, हमारे विचारों को हमारे संविधान को दबाया जा रहा। हमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी की मांग है कि जो 21 तारीख को एटोसिटी का जो मामला था वो सुप्रीम कोर्ट ने गलत तरीके से निर्णय दिया है, अगर इसको नहीं खत्म किया गया तो बहुत तादाद के अंदर यहाँ जो जन सैलाब है इससे भी ज्यादा जन सैलाब आएगा। समाज की समस्त महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और महिलाओं में